वडोदरा में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों की मदद के लिए वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए हैं। वडोदरा के वाघोड़िया इलाके में वार्ड नंबर 16 में पिछले दो दिनों से हुए जलभराव के चलते कई जगह जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में कई सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए हैं और लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जिग्नेश जोशी गणेश नगर चंद्रनगर समेत के इलाकों में लोगों को खाना समेत की सहायता पहुंचा रहे हैं। लोगों को बीपीएस स्कूल में शिफ्ट किया गया है, वहां भी जिग्नेश जोगी ने पहुंचकर उनके हालचाल जाने और उनकी समस्याओं का जायजा लिया। वडोदरा शहर में लास्ट दो दिन से जो बारिश थी और बारिश के चलते जो है लोगों को हालाकी का सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं वडोदरा शहर के वाघोड़िया विस्तार में चंद्रनगर हो गणेश नगर हो दुधिया तालाब हो इस विस्तारों में जो है पानी भर गया था और इन लोगों को जो स्थलांतर करने के जो कार्य है जिग्नेश भाई जोशी द्वारा किया गया था और दुधिया तालाब के जो झुपड़पट्टी है वहाँ पर घुटन तक का पानी था और उनको घर छोड़ कर को स्थलांतर करने की जब बात हुई तब जिग्नेश भाई जोशी द्वारा ये कार्य किया गया। आप देख रहे हो जिस तरह के जो दृश्य है अभी जो है वडोदरा शहर के बीपीएस स्कूल के है झुपड़पट्टी में रहने वाले और जरूरतमंद जो लोग हैं उनको जो जिग्नेश भाई जोशी द्वारा जो है अपने घरों से लेकर के बीपीएस स्कूल तक का जो सफ़र है वो जिग्नेश भाई जोशी द्वारा किया गया था। लोगों को अपने घरों से निकाल करके अच्छी जगह सेफ जगह पर निकाला गया था और बीपीएस स्कूल में उनको सेफ जगह पर लाया गया था और उनके द्वारा जो सेवा की कार्य किया गया था और जो उनको खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं जो है जिग्नेश भाई जोशी द्वारा की गई, उनको खाने की व्यवस्था साथ साथ दवाइयों की व्यवस्था की गई थी। चलिए तो हम बात करते हैं जिग्नेश भाई जोशी जिनके द्वारा ये सेवा की कार्य किया गया। जिग्नेश क्या कहोगे जिस तरह से लोगों अभी दो दिन के बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया था, आपके द्वारा सेवा के कार्य किया गया था, क्या सेवा किए, क्या क्या? पूरे गुजरात में और बड़ौदा में बहुत जोर शोर से बारिश हुई, 24 घंटे हो गए। भगवान की दया से अभी बारिश रुक गई है और मैं और मेरी समग्र टीम खाना पहुंचाना, खाना बनवाना, एक छोटे बच्चों के लिए दूध, सुबह में पाले जी बिस्किट का पैकेट और स्थलांतर जो नीचाण वाले जो विस्तार थे वहाँ सब पानी भर गया था वहाँ से उनको लाके सेफ जगह पे रखना वो सब हम और हमारी टीम काम कर रहे थे और पूरे दिन से काम चालू है। अभी भी जैसे भी कॉल आता है इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह जो है देखा गया है कि जिग्नेश भाई जोशी द्वारा जो है समाज सेवाएं की जाए, कहीं ना कहीं लोग भी उनके ये कार्य से खुश है। छोटे बच्चे जो है उनको देखकर ही जैसे कि खाना अभी आ रहा है उस तरह की परिस्थितियां जो सामने आई थी जिग्नेश भाई जोशी को देख करके उनके फेस पर जो है वो खुशी व्यक्त की जा रही है। कहीं ना कहीं जिग्नेश भाई जोशी द्वारा जो सेवा के कार्य किया गया है लोगों में भी ये खुशी व्यक्त की जा रही है। वडोदरा की विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे निजामपुरा पेंशनपुरा समेत के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। ऐसे में वार्ड नंबर 1 के वार्ड ऑफिसर ने सभी पीड़ितों को लालपुरा नवायार्ड की लोकमान्य तिलक स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है और यहाँ उन्हें खाने पीने की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। लोकमान्य तिलक प्राथमिक शाला में उभा है स्कूल निजामपुरा पेंशनपुरा में जो लोग रहता था અત્યારે જે પ્રમાણે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આજવા સરોવરની અંદર પાણીનું ભરણ વધી રહ્યું છે અને એ ભરણ અત્યારે વિશ્વામિત્રનું આવ્યું છે, ત્યારે જ્યારે નિઝામપુરા પેન્શનપુરાની અંદર જ્યારે પાણી ખૂબ ભરાયું હોય તો લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયું છે, ઘણી એવી સ્કૂલો હતી કે સ્કૂલોની અંદર પાણી ભરાયું છે, એટલે તંત્રએ જે તે સ્કૂલમાં જે પાણી ભરાય છે સ્કૂલમાંથી લોકોને આ લોકમાન્ય તિલક સ્કૂલમાં સ્થળાંતર કર્યા છે અને સારી એવી વ્યવસ્થા પ્રશાસને કરેલી છે અને અમારા વોર્ડના વોર્ડ ઓફિસર જે છે એમની સારી કામગીરીને હું ખરેખર બિરદાવું છું। અત્યારે ઘણા લોકો ઘણી બધી મહિલાઓ અહીંયા આવે છે અને સાંજની જમણવાની પણ વ્યવસ્થા કરી છે, એટલે આ ટીવી ચેનલના માધ્યમથી હું સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરું। વડોદરા કા સરસિયા તાલાબ ભારી જલભરાવ ઓર બારિશ કે ચલતે ઓવરફ્લો હો ગયા હે, યહાં તાલાબ કા પાણી ઇલાકો મે ભર ગયા હે ઓર તાલાબ મે જો બેલ નિકલ આઈ થી વો ભી પાણી કે સાથ બહેકર सभी इलाकों में भर गई है। प्री मानसून कार्यवाही की पोल यहां साफ साफ खुलती हुई नजर आ रही है क्योंकि सभी इलाकों में पानी के साथ बहकर आई बेल भी नजर आ रही है जो अलग अलग इलाकों में पानी के साथ पहुंच रही है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत गुजरात के अमरेली के धारी से गुजरती शेत्रुंजी नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते धारी निकट के चाटई, सोढ़ापुरा, आंबागाड़ा, गीगासण समेत के गांव में भारी बरसात दर्ज हो रही है, जिससे शेत्रुंजी नदी दोनों किनारों पर बह रही है। अमरेली जिले के सबसे बड़े खोडियार डैम के तीसरी बार ओवरफ्लो होने की खबर भी सामने आई है। डैम के दो दरवाजे खोलकर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और नदी किनारे लोगों को आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। वडोदरा जिला के सावली के डेसर तालुका के वरसड़ा गांव में एक क्वारी में सालों से प्लांट पर कार्यरत कीर्तन ग्रासिया महिसागर में नदी के पत्थर पर फंसे हुए थे। अचानक महिसागर नदी का बहाव बढ़ जाने से वो बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे में उनकी सहायता के लिए डेसर मामलतदार डीए सोलंकी, तालुका विकास अधिकारी तेजस पटेल और डेसर पुलिस पीएसआई भरवाड़ समेत के स्टाफ ने मौके पर उपस्थित होकर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में चर्चा की और नाव की व्यवस्था करवाई, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से नाव की बजाय एनडीआरएफ का संपर्क किया गया, लेकिन एनडीआरएफ भी मौके पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में वडोदरा कलेक्टर का संपर्क कर जामनगर से एक हेलीकॉप्टर मंगवाकर व्यक्ति का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में काफी देरी हुई, लेकिन आखिरकार उन्हें सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर दिया गया है। गुजरात के राजकोट में आजी डैम ओवरफ्लो होने की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें आजी डैम खूबसूरत रूप से बहता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों गुजरात में भारी बारिश के चलते हर जगह नदी, नाले, डैम सब कुछ उफान पर है, जिससे राजकोट का आजी डैम भी अछूता नहीं है।